हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 15.2 शुरू करेंगे। और इससे पहले कि जो वीडियो 15.1 है वो मैंने कंप्लीट बना ली है और प्लेलिस्ट में डाल दी है। जब तक आप 15.1 नहीं देखोगे तब तक आपको ये वीडियो भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले वो वीडियो देखो फिर इसके बाद ये वीडियो देखना। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न क्या है, निम्न बिंदुओं को एक वर्गाकित कागज यानी ग्राफ शीट पर अंकित कीजिए और जांचिए कि क्या वे सभी एक सरल रेखा पर स्थित है। यानी हमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं और इन बिंदुओं को हमें इस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है, ठीक है। 15.1 में मैंने बताया था कि इस ग्राफ में एक होती है आपकी एक्स एक्सिस और एक होती है आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्स पर जो है हमें अलग अलग खाने दिए रखे होते हैं और इस पर हमें जो है अलग अलग जो पॉइंट है वो ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो यहाँ मेरे पास, यहाँ जो ये पहला पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइनें क्रॉस हो रही है वो आपका जो बिंदु है वो जीरो बिंदु होता है। फिर एक्स एक्स पर आपको यहाँ बिंदु ड्रॉ करने हैं, जैसे यहाँ पर ये जो पहला खाना है इस पर एक आ जाएगा, दूसरे खाने पर दो, तीसरे खाने पर तीन, चार, पाँच, ऐसे बिंदु आपको हमको अंकित करने होंगे। फिर वाई एक्स पर भी ऐसे बिंदु हमें अंकित करने हैं, तो ये हो गया एक, फिर दो, फिर उसके बाद तीन, चार, पाँच, छः, है ना, ये पॉइंट हमने इसमें ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ देखो, सबसे पहला जो प्रश्न है ए, इसमें हमें देखो ए बी सी डी, तो यहाँ कुछ पॉइंट दे रखे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जो भी पॉइंट है वो क्या होता है, उसमें पहला नंबर जो होता है वो एक्स एक्स का होता है और जो दूसरा नंबर होता है वो वाई एक्स का यानी वाई पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे ए पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ये ए पॉइंट है उसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है चार, फिर दे रखा है जीरो। तो ये जो पहला नंबर है वो हमें एक्स एक्स पर दर्शाता है और जो ये दूसरा नंबर है वो वाई एक्स को दर्शाता है। तो जब एक्स एक्स की बात करता है तो हमें नंबर एक्स एक्स पर देखना है और जब वाई की बात करता है तो नंबर हमें वाई एक्स पर देखना है। और ये जो जीरो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है। तो चलो अब हम इनको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर ए जो है कितना दिया, चार और जीरो, यानी एक्स पर आपको चार बार चलना है और वाई पर आपको जीरो चलना है, यानी चलना ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले किस पर चलना, एक्स पर, पहला नंबर एक्स का, दूसरा नंबर वाई का। तो एक्स पर कितना चलना है, चार। तो यहाँ देखो ये एक्स अक्ष है, इस पर हमें चलना है, कितना चलना है, चार, एक, दो, तीन और ये चार, यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। अब वाई एक्स पर यानी ऊपर कितना जाना है, तो ऊपर आपको जीरो जाना है, यानी जाना ही नहीं है, तो आपका पॉइंट यहीं पर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बी देखो, एक्स पर कितना जाना, चार, वाई पर कितना जाना, दो। तो चलो पहले एक्स पर चलते हैं चार, तो यहाँ जीरो से चलना, ये जीरो से हम चार पर आ गए। फिर वाई पर कितना चलना है, दो, यानी ऊपर जाना है, तो यहाँ चार से ऊपर जाना है दो, तो ये एक और ये दो, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, इसको सर्कल कर देंगे। फिर उसके बाद आपको सी में जाना है, चार और छः, यानी एक्स पर चलना है चार और वाई पर चलना है छः। तो हम यहाँ जीरो से एक्स पर चलेंगे चार, ये चार आ गया, फिर वाई पर ऊपर छः तक चलना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये आ गया आपका छः। तो यहाँ हमें पॉइंट लगाना है, इसको सर्कल करना है। फिर डी पर हमें चार और 2.5 जाना है। अब 2.5 क्या होता है, तो 15.1 में मैंने बताया कि छोटी छोटी लाइनें होती है वो पॉइंट एक, पॉइंट दो, पॉइंट तीन, पॉइंट चार, पॉइंट पाँच, इस प्रकार पॉइंट छः, सात, आठ, नौ की होती है। तो पहले दो चलना, फिर पॉइंट पाँच चलना। तो देखो पहले एक्स एक्स पर कितना जाना है, चार, तो यहाँ जीरो से एक्स पर हम आ गए चार। फिर उसके बाद कितना जाना, 2.5 जाना, तो यहाँ पर देखो ये एक खाना, ये दूसरा खाना, उसके बाद छोटी छोटी लाइनें 0.5 बार जाएगी, कहाँ से, दो से। तो देखो एक, दो, तीन, चार और ये पाँच, ये हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसको सर्कल कर देंगे। अब इन सभी पॉइंटों को हम स्केल से मिला देंगे, हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये देखो ये सारे पॉइंट एक ही लाइन में है, हम इनको मिला देते हैं, ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। इसी प्रकार देखो सेकेंड, सेकेंड में भी हमें सबसे पहले एक्स एक्स और वाई एक्स पर जो है पॉइंट यानी कि बिंदु लगाने हैं। तो यहाँ देखो यहाँ पर आएगा जीरो, फिर एक्स पक्ष अक्ष पर ये पहला खाना एक, फिर दो, तीन, चार और पाँच, ठीक है। ज़्यादा हो तो यहाँ पर ज़्यादा भी लगाने हैं,
लेकिन यहाँ पर छोटा एक है और बड़े से बड़ा चार है, तो मैंने 5 तक बिंदु लिए। फिर वाई एक्स पर भी आपको चलना है, 1, 2, 3, 4 और फिर 5। अब देखो यहाँ पर हमने बिंदु, देखो पहले प्रश्न में बिंदु नहीं लिखे, तो पहला जो है आपका ए है और क्या बिंदु है वो 4, 0, तो 4, 0 लगाना। दूसरा बिंदु आपका क्या है, बी, तो यहाँ बी लेना है, ठीक है ये बी है और इसका पॉइंट क्या है, 4, 2। सी क्या है, 4, 6, तो ये सी हो गया और क्या है, 4, 6। इसी प्रकार डी क्या है, डी आपका जो है वो है 4, 2.5 और ये क्या है, डी। इसी प्रकार इसमें भी हमें बनाना है, तो यहाँ पी पॉइंट कितना है, 1, 1, यानी एक्स पर 1 चलना है और वाई पर भी 1 चलना है, चलना हमेशा 0 से, तो हम 0 से एक्स पर 1 चलेंगे, ये आ गया आपका 1, और वाई पर भी कितना चलना है, 1, तो अब ऊपर जाना 1, ये आ गया 1, यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा, सर्कल कर देंगे। तो ये हम आपका कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है और निर्देशांक 1, 1 हो जाएंगे। फिर आपको Q पर जाना है, 2, 2, ठीक है, तो ये आपका हो गया Q, ठीक है। Q पॉइंट X पर कितना जाना है, 2 और Y पर यानी ऊपर की ओर कितना जाना है, 2, तो ये पहला खाना, ये दूसरा खाना, तो ये हो गया आपका 2, 2। इसी प्रकार 3, 3, यानी X पर 3 जाना फिर Y पर भी 3 जाना, पहला हमेशा X का आएगा फिर Y का आएगा, तो यहाँ 0 से 3, ये आ गया x पर 3, अब ऊपर 3 जाना है, तो ये 1, 2 और ये 3, यहाँ हमारा पॉइंट हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 4, 4, s क्या है, 4, 4, यानी x पर 4 चलना फिर y पर भी 4 चलना, तो 0 से हम यहाँ 4 आ गया, ठीक है, x अक्ष पर, अब y अक्ष पर भी 4 चलना, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है, हमें एक रेखा मिल गई। इनको हम मिला देते हैं सभी बिंदुओं को, तो ये हम सभी बिंदुओं को मिला देते हैं, ये मिल गए सारे बिंदु, ये हमारा बन गया ग्राफ। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पॉइंट बनाने हैं, जैसे ये पी पॉइंट हो गया, दूसरा क्यू का, ये क्यू का पॉइंट है, निर्देशांक क्या है, 2, 2, फिर आर के पॉइंट क्या है, 3, 3, इसी प्रकार एस के क्या पॉइंट है, 4, 4, तो ये हमारा जो है ए और बी हो गया। अब हम सी करेंगे, ठीक है, तो सी जो है मैं इसी पर कर देता हूँ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ हमारे हो जाएगी एक्स अक्ष। आपको अलग अलग ग्राफ पे बनाना है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं एक ही पर बना रहा हूँ, ठीक है, और नीचे हो जाएगी एक्स अक्ष। ये आपकी एक्स अक्ष और ये आपकी क्या हो गई, वाई अक्ष। अब हमें पॉइंट बनाने हैं, यानी निर्देशांक बनाने हैं, तो एक्स के निर्देशांक कहाँ से शुरू होंगे, 0 से, फिर ये 1, 2, ये आ जाएगा 3, 4, 5 और ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। इसी प्रकार ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। अब हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, तो देखो के बिंदु जो है, एक्स पर 2 चलना है और वाई पर कितना चलना है, 3, तो 0 से एक्स पर चलना है कितना, पहले तो 2, ये आ गया 2, अब वाई पर कितना चलना है, 3, तो ऊपर 1, 2 और ये आ गया 3, ठीक है। फिर एक्स पर चलना है 5, वाई पर चलना है 3, तो एक्स पर चलना है आपको 5, ये आ गया 5, फिर वाई पर 3 चलना है, तो 1, 2 और ये आ गया 3, ये आपका दूसरा बिंदु हो गया। फिर एक्स पर 5, वाई पर 5, ठीक है, 5, 5 है ना, एक्स पर 5 और वाई पर 5, तो 0 से एक्स पर 5 और वाई पर यानी ऊपर 5 जाना है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। फिर एन पर 2, वाई पर 5, तो एक्स पर कितना आ गया, 2, तो ये हो गया 2, वाई पर 5, तो यहाँ ऊपर जाएंगे 5 पर, ये आ गया 5, तो ये सबसे पहला जो पॉइंट था वो किसका था, के का, कितना था, 2, 3। फिर उसके बाद था L, ये क्या था, 5, 3। फिर ये जो पॉइंट था वो था M, 5, 5 और ये जो पॉइंट है वो है N, 2, 5। इन सबको हम मिला देंगे, तो सबसे पहले देखो इन दोनों को मिलाते हैं,
ये आपको अलग अलग ग्राफ में करना है, मैंने ये सारा एक ही ग्राफ में कर दिया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पहला प्रश्न जो है वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। अब है प्रश्न संख्या दो। प्रश्न है बिंदुओं 2,3 यानी x पर 2 y पर 3 तथा 3,2 x पर 3 y पर 2 से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींची, यानी हमें एक सरल रेखा बनानी है। उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर यह रेखा x तथा y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो जहां ये x अक्ष और y अक्ष को काटती है वो लाइन भी हमें बनानी है, ठीक है। तो चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें x अक्ष और y अक्ष बनानी है। तो नीचे आपकी होगी x अक्ष, और ऊपर क्या होगी y अक्ष, यहां पर ये हो जाएगी y अक्ष, ठीक है। ये दोनों जो x अक्ष और y अक्ष जहां पर काट रही है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 0 पॉइंट। ये आपका वाई एक्स हो गया, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्स हो गया। अब हमें बनाने हैं निर्देशांक। तो यहाँ पर जो ये पहला खाना है वो आपका पहला पॉइंट यानी एक है, एक्स का एक अंक, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे आपको पॉइंट बनाने हैं। अब यहाँ देखो 2, 3, 2, 3 है ना, तो मतलब ज़्यादा पॉइंट नहीं है, तो आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं बनाने, 7 तक मैं ले लेता हूँ। ऊपर भी आपको ऐसे ही पॉइंट बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। अब हमें कौन कौन से बिंदु लेने हैं, एक तो 2,3, ठीक है, यानी x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3। तो पहले आपको x पर 2 चलना है, फिर y पर 3 चलना है। तो पहले x पर मैं 2 चलूँगा, ये आ गया 2, फिर ऊपर y पर कितना चलना है 3, तो ये 1, 2 और यहाँ 3, आपका पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो पॉइंट है 3,2, यानी x पर 3 और y पर 2, तो आपको x पर कितना चलना है 3, ये 1, 2 और ये 3, और y पर कितना चलना है 2, यानी ऊपर की ओर, ये 1 और ये 2, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, इसको सर्कल कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे स्केल से, तो इन दोनों पॉइंट को बड़ी सावधानी से आपको मिलाना है। ये मैंने मिला दी। अब यहां पर देखो जो भी पॉइंट कट हो रहे हैं, यहां पर आगे क्या कह रहा है, जिन पर यह रेखा x तथा y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है उनके निर्देशांक भी हमें लिखने हैं। निर्देशांक क्या होते हैं, ये जो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, इसी को हम निर्देशांक कहते हैं। और निर्देशांक में हमेशा पहले x का आएगा, फिर y का निर्देशांक आएगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ कट हो रहा है, देखो एक तो यहाँ कट हुआ x अक्ष और y अक्ष, फिर देखो एक यहाँ पर, ये x अक्ष और ये y अक्ष, तो यहाँ पर कट हुआ। फिर यहाँ देखो ये x अक्ष और ये y अक्ष, यहाँ पर कट हुआ। फिर देखो यहाँ पर ये x अक्ष और ये y अक्ष, यहाँ पर भी कट हुआ। अब हमें क्या करना है, इनके निर्देशांक लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इसका निर्देशांक कितना होगा, तो देखो ये 0 से कितना चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 चल रहा है। फिर y पर कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, 0 पर ही है। तो इसका निर्देशांक क्या हुआ, मैं इसको a लिख देता हूँ। इसका निर्देशांक हुआ कि भाई ये x पर तो 5 चल रहा है लेकिन y पर चल ही नहीं रहा, तो 0 हो गया। फिर इस पॉइंट को देखो, x से कितना चल रहा है, तो देखो x पर ये 4 कदम चल रहा है, ठीक है, ये b पॉइंट हो गया। x पर तो ये 4 चल रहा है, ठीक है, और y पर यानी यहाँ से कितना जा रहा है, ऊपर 1 कदम जा रहा है, तो y पर 1 जा रहा है। फिर ये पॉइंट देखो c, ठीक है, x पर कितना जा रहा है, 3 कदम, 3 पर है x पर, 3 जा रहा है, और y पर कितना जा रहा है, तो देखो 3 से ये 1 और ये 2, 2 कदम जा रहा है। फिर D पॉइंट देखो, X पर कितना जा रहा है, 2, X पर 2 जा रहा है, और Y पर कितना जा रहा है, 3 जा रहा है ना। फिर ये पॉइंट E पॉइंट देखो, X पर कितना जा रहा है, तो यहाँ 0 से देखो 1 जा रहा है, Y पर कितना जा रहा है, तो ऊपर देखो 1, 2, 3 और ये 4 कदम जा रहा है।
फिर एफ पॉइंट देखो, एक्स पर इधर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना, यहीं पर है, तो ये जीरो हो गया, जा ही नहीं रहा है इधर इस साइड में। ऊपर जा रहा है क्या? तो देखो जीरो से कितना गया, पाँच कदम ऊपर गया, तो ये पाँच हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें निर्देशांक लिखने भी आने चाहिए। तो ये आपका प्रश्न संख्या दो कंप्लीट। प्रश्न संख्या तीन है, आलेख में बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक शीर्ष के निर्देशांक लिखिए। तो यहाँ हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें तीन आकृतियाँ हैं और इनके जो शीर्ष है ना, जैसे ये ओ शीर्ष, ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष, इसी प्रकार इस आकृति के और इस आकृति के जो शीर्ष है उनके हमें निर्देशांक बताने हैं। और निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक को इस प्रकार से कोष्टक के अंदर एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखा जाता है, ये बात मैं बता चुका हूँ, है ना। पहला जो आपका कोई भी अंक होगा वो एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा और दूसरा जो अंक होगा वो वाई अक्ष का निर्देशांक होगा। जैसे अगर मैं आकृति यहाँ देखो, पहले आकृति मैं देखो यहाँ ओ ए बी सी की बात करूँ, ओ ए बी सी की बात करूँ, तो इसमें ओ के जो निर्देशांक है वो क्या है? देखो ओ बिंदु कहाँ है, तो देखो ओ बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो बिंदु है वो ना पर ना तो इधर जा रहा है एक्स की तरफ, ना ऊपर की तरफ जा रहा है वाई की तरफ, तो इसके जो निर्देशांक है वो क्या हो गए? जीरो कॉमा जीरो, यानी ना तो ये एक्स अक्ष की तरफ जा रहा है ना वाई की तरफ जा रहा है, तो इसके निर्देशांक हो गए जीरो कॉमा जीरो। तो ये ओ बिंदु के निर्देशांक हो गए। फिर उसके बाद हम ए बिंदु के निर्देशांक देखते हैं, ठीक है। पहले एक्स का देखना है फिर वाई का। तो यहाँ पर देखो ए बिंदु कहाँ पर है, तो देखो यहाँ ए बिंदु जो है वो एक्स अक्ष पर दो पर है और वाई पर ऊपर नहीं जा रहा है, यानी वाई पर कितना है? जीरो। तो पहले एक्स का निर्देशांक लिखो, एक्स पर कितना है? दो और वाई पर कितना है? जीरो। उसके बाद हम बी के निर्देशांक लिखते हैं, तो देखो बी यहाँ ऊपर की तरफ है, तो इसमें हमें पहले एक्स की तरफ चलना है फिर ऊपर वाई की तरफ चलना है, तो जीरो से चलना है ना। देखो जीरो से इधर गए हम, कहाँ पर गए? दो पर, यानी एक्स अक्ष का जो निर्देशांक है वो है दो। अब ऊपर जाना है तो ऊपर गए, तो इसका जो निर्देशांक आया वो कितना आया? देखो ऊपर की और तरफ कितना गया? ये तीन पर गया, है ना। तो वाई का जो निर्देशांक हो गया वो हो गया तीन। अब है सी के निर्देशांक, तो देखो सी के निर्देशांक क्या होंगे? सी का जो पॉइंट है वो है यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले देखो ये एक्स की तरफ, यानी इधर जा रहा है क्या? ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, ये जीरो पर है, है ना। तो एक्स का जो निर्देशांक हो गया वो हो गया जीरो, और ये वाई यानी ऊपर की तरफ कहाँ पर जा रहा है? ये तीन पर जा रहा है। तो सी के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे जीरो कॉमा तीन। तो ये पहली आकृति का हो गया। अब दूसरी आकृति क्या है? पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस में, इस आकृति में P के जो निर्देशांक है वो देखो क्या है? P बिंदु जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो बताओ ये जीरो से कहाँ जा रहा है, जीरो से कहाँ पर है? तो देखो जीरो से अगर मैं चलता हूँ चार पर, ठीक है, तो ये आपके चार पर है, है ना। तो X का जो निर्देशांक है वो हो गया चार। अब Y पर देखो, अब Y पर यानी ये कितनी ऊंचाई पर है? तो चार से आपको ऊपर जाना है, एक दो तीन। तो Y का जो निर्देशांक आया वो आया कितना? आया तीन आया। तो ये P का निर्देशांक हो गया। अब Q के निर्देशांक, तो देखो Q के निर्देशांक क्या होंगे? Q पॉइंट यहाँ पर है Q बिंदु यहाँ पर। सबसे पहले देखो ये जीरो से कितनी दूरी पर है, तो अगर मैं जीरो से चलना चालू करूँ तो ये पॉइंट आपकी कहाँ पर आ रहा है? छः पर आ रहा है, ठीक है, कहाँ पर आ रहा है? छः पर आ रहा है। तो X का निर्देशांक कितना आ गया? छः। अब ये छः से कितना ऊपर जा रहा है? तो छः से सिर्फ और सिर्फ एक कदम ऊपर जा रहा है ना। देखो ये एक पर है, यानी वाई का जो निर्देशांक हो गया वो कितना हो गया? इसका एक हो गया। इसी प्रकार हम आर के निर्देशांक देखते हैं, बताओ आर बिंदु कहाँ है? यहाँ पर है, है ना। तो आर के निर्देशांक सबसे पहले हमें जीरो से चलना है जहाँ पर आर है, तो हम नीचे चलेंगे जीरो से जहाँ आर है। तो आर कहाँ पर है? देखो छः पर ही है, है ना, सिक्स पर ही है आर। तो एक्स का निर्देशांक कितना हो गया? छः। अब छः से ऊपर जाओ, कितना जा रहा है? देखो एक दो तीन चार पाँच, कहाँ पर है? पाँच पर, यानी वाई का जो निर्देशांक हो गया वो कितना हो गया? पाँच। फिर उसी प्रकार एस के जो निर्देशांक है वो देखो यहाँ पर है एस, ठीक है। तो पहले जीरो से कितना गया एक्स पर? देखो जीरो से ये आपके गया चार पर, है चार पर, ठीक है। तो एक्स का निर्देशांक हो गया चार। अब ऊपर कितना गया? चार से,
वो देखो, तो चार से ये ऊपर जा रहा है यहाँ पर, सात पर, ठीक है? तो जो वाई का निर्देशांक है वो हो गया सात। अब तीसरी आकृति देखो, तीसरी आकृति आपके त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज में सबसे पहले हम के का निर्देशांक देखते हैं, तो के कहाँ है? यहाँ पर। तो एक्स से कितना दूर, यानी जीरो से ये आ रहा है आपके 10 पर, ठीक है? तो एक्स एक्स का निर्देशांक क्या हो गया? 10। और वाई यानी 10 से कितना ऊपर है? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी वाई का निर्देशांक हो गया 5। इसके बाद एम के निर्देशांक देखो, तो एम के निर्देशांक पहले तो एक्स से कहाँ पर है? तो एक्स से ये आपके 10 पर है 10 पर, ठीक है? और वाई पर यानी 10 से कितना ऊपर जा रहा है? तो 10 से ये यहाँ पर जा रहा है 8 पर। तो वाई का जो निर्देशांक हो गया वो हो गया 8। अब आपका लास्ट जो अंतिम है वो पॉइंट है एल, यानी एल के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो एक्स से ये कितना दूर है? तो एक्स से ये 7 पर है, ये देखो 7 है, 7 पर है, ठीक है? और वाई यानी 7 से कितना ऊपर है? तो ये 7 से ऊपर 7 तक है। ये आपके निर्देशांक हो गए एल के, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है हमें प्रश्न संख्या 3 करना है। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्य असत्य बताइए, यानी हमें यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं, वो सत्य है या असत्य उसका उत्तर देना है। साथ में अगर वो असत्य है तो उसे ठीक भी करना है, ठीक है? जैसे पहला प्रश्न है, कोई बिंदु जिसका एक्स निर्देशांक 0 पर है तथा वाई निर्देशांक शून्योत्तर है, शून्योत्तर है ना, यानी शून्य से मुक्त है, तो वाई अक्ष पर स्थित होता है, तो ये वाई अक्ष पर स्थित होता है इस बात को बताना है। तो पहले जो प्रश्न कहता है वो हम करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ग्राफ है, ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये आपका हो गया वाई अक्ष। यहाँ पर जो ये पॉइंट है उसके निर्देशांक क्या होता है? 0, 0, यानी एक्स पर भी 0 और वाई पर भी 0। अब ये कह रहा है कि कोई बिंदु है जिसका एक्स निर्देशांक 0 है, यानी वो एक्स पर तो 0 है, यानी इस पर स्थित है कहीं ना कहीं वो पॉइंट, ठीक है? क्योंकि वो ऊपर की ओर यानी इस साइड में नहीं जा रहा है, सॉरी इस साइड में नहीं जा रहा है, वो यहीं पर है, ठीक है? इस साइड में नहीं जा रहा है, एक्स पर नहीं जा रहा है। ये कह रहा है एक्स पर 0 है, यानी ये यहीं पर है एक्स पर, ठीक है? और ये कह रहा है कि वाई निर्देशांक शून्योत्तर है, शून्योत्तर का मतलब शून्य से मुक्त है, यानी ऊपर की ओर है, यानी ये शून्य नहीं है, इसको छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है? तो अगर ये यहाँ पर है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? कि भाई ये एक्स पर तो जा ही नहीं रहा है, एक्स पर कितना है? 0। और वाई पर ये कुछ ना कुछ होगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकता है वाई की जगह पर, ठीक है? तो अब आगे क्या कह रहा है? तो ये जो बिंदु होगा वो वाई अक्ष पर स्थित होगा, तो वाई अक्ष पर ही स्थित है ना? तो ये हमारा जो कथन है वो क्या हो गया? सत्य हो गया, ये हमारा कथन सत्य हो गया। फिर अगला प्रश्न देखो, कोई बिंदु जिसका वाई निर्देशांक 0 है, ठीक है? जैसे अगर मैं इसमें इसकी इसकी ग्राफ की बात करूं, तो ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ये कह रहा है कि कोई बिंदु है जो वाई निर्देशांक है वो 0 है, यानी इसका जो वाई है ये आपका 0,0 हो गया, यानी वो वाई पर नहीं जा रहा है, एक्स पर जाएगा, वाई पर कहीं नहीं जा रहा, ऊपर की ओर कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है? फिर कह रहा है तथा एक्स निर्देशांक 5 है, यानी यहाँ एक्स जो है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, एक्स निर्देशांक कितना है? 5, यानी वो बिंदु कहाँ है? यहाँ पर है। फिर आगे कहता है वाई अक्ष पर स्थित होगा, तो ये वाई अक्ष पर कैसे स्थित है? ये तो एक्स अक्ष पर स्थित है, तो ये हमारा कथन क्या हो गया? असत्य। अब इसे हमें ठीक भी करना है, तो ठीक कैसे करना देखो, हम यहाँ लिखेंगे कि कोई बिंदु जिसका वाई निर्देशांक, यदि वाई निर्देशांक 0 है, वाई निर्देशांक 0 है तथा एक्स निर्देशांक 5 है, तो वह बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा, न कि वाई अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है? एक्स अक्ष पर स्थित होगा। अगला है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, तो ये आपका होता है मूल बिंदु, ठीक है? और उसके निर्देशांक हमेशा कितना होता है? 0, 0, यानी ना तो वो एक्स की साइड में जाता है, ना ही वो ऊपर की तरफ वाई की साइड में जाता है, वो अपनी जगह पर है, तो
तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 0.0, ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। तो इस प्रकार से आपके चारों प्रश्न कंप्लीट हुए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।